दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने दुर्ग निगम क्षेत्र में बने सार्वजनिक सुलभ शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नई शहर ने सत्ता संभालते ही शहर के शौचालयों की देखरेख करने वाले ठेकेदारों को तत्काल काम से हटाकर अपने चहेतों को ठेका दे दिया। ये नए ठेकेदार कोई काम तो नहीं कर रहे, साथ ही साफ सफाई के लिए 2500-3000 रुपए महीना देकर एक कर्मचारी रख लेते हैं और बाकी पैसा हजम कर जाते हैं। उन्होंने शहर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से। एक्चुअली जो अभी प्रॉब्लम हो रही है, जो अधिकतर हमारे को देखा जा रहा है कि हम रिहायशी इलाकों में और बस्तियों में जो गंदगी और फैली हुई है और उसके कारण जो बदबू आ रही है, कहीं कहीं पीने के पानी में भी स्मेल आ रही है और उसका नालियां और नाले जो है वो तो है ही है, लेकिन एक और कारण है जो वो है सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक शौचालय जो साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, उसके पीछे एक कारण है कि जब पर्यवेक्षक निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो वो लोग उसको सभी शौचालयों को दिखाते ही हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं वो लोग, इसलिए उनको पता नहीं रहता है। और जब पता नहीं रहता है तो उनको उस शौचालय में ही लेके जाया जाता है कि जो पहले से ठीक ठाक है और मेंटेन है। अब हो क्या रहा है कि नगर निगम एक शौचालय का 15000 रुपये महीना देती है। अब ये जो शौचालय का ठेका है, जैसे ही इनका महापौर बैठा यहां पर, तो वैसे ही जो पुराने जो ठेकेदार थे उनको सबको हटा दिया गया। 2 दिन का नोटिस दिया गया और तीसरे दिन बिना कोई कारण के उनको हटा दिया गया। कारण उसमें लिख दिया गया लेकिन वो कारण था नहीं। कई लोगों ने फोटो खींच खींच के कमिश्नर के पास भी भेजी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेंटेन था पहले 2.5 साल पहले, आज से सार्वजनिक शौचालय जो था वो ज्यादा मेंटेन था, और अब जो हो गया है वो विधायक के नजदीकी लोगों को मिल गया है ठेका। उनको क्या है कि उनको कुछ नहीं करना है, उनको ना मेंटेन करना है ना कुछ करना है। 2-3 हजार रुपए में एक आदमी रख लेते हैं और वो अपनी ऊपरी कमाई से वहां पर मेंटेन भी करता है और सब चीजें करता है, और उनको ठेकेदार को वहां पर देखना भी नहीं है। पर्यवेक्षक जो आते हैं वो वहां तक पहुंचते नहीं है। प्रॉब्लम किसको हो रही है? आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ लोग शौचालय जाना नहीं चाहते हैं, भले ही खुले में शौच करके आ जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जो अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अपने करीबियों को वहां पर उनकी आय बढ़े और ताकि उन लोग हमारे को इलेक्शन में हमारे को उन लोग सपोर्ट कर सकें, हमारी बाहें बन सकें, इस वजह से उनको दे दिया जाता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी के पास एक ठेका है, एक दो तीन ठेके एक आदमी के नाम पे ही अलॉट कर दिए जाते हैं, उसकी 45-50 हजार रुपए इनकम बन जाती है कि नहीं? तो ये सार्वजनिक लोगों के लिए तो है नहीं, ये तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए है, जो आपकी बाहें बनी हुई है उनके लिए है, अपने करीबियों के लिए है। पैसा, नगर निगम का पैसा जो शौच करने जाता है ना, वो भी टैक्स भरता है। उसका पूरा हक है कि उसको सार्वजनिक शौचालय जो है वो साफ सफाई के साथ मिले, जो नॉर्म्स है उसके साथ मिले। और इसमें हमारी भी जवाबदारी बनती है। क्या जवाबदारी बनती है? कि हम फोटो खींच के हम अपने सोशल मीडिया में डालें, पीएमओ में डालें, पीएमओ का एक साइड है वहां पर डालें, और 1100 करके एक टोल फ्री नंबर है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत आप करेंगे तो वहां पर बिल्कुल सुनवाई इनको करनी पड़ेगी, और ये हमारे को जरूर करना चाहिए। तभी जब हम जागरूक होंगे तभी ये जो नगर निगम के ठेकेदार हैं, जो अपनी खुद की जो अपनी जागीर समझ के बैठे हुए हैं, वो जागीर आपकी जनता की है, वहां के बैठे पदाधिकारियों की, शासन और प्रशासन की नहीं है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा हमारे खुद के शहर के लिए।